तो विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसको देखते हुए भाषणबाजी का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अब राहुल गांधी की तुलना रावण से कर दी है। मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हिंदुत्व पर सवाल खड़ा कर उन्हें रावण बता दिया है। हमने देखा है कि रावण साधु के वेश में सीता का हरण करने गया था, तो ये रावणी मानसिकता है कि विजयतंत्र की सीता को हम हरण करने के लिए गले में दुपट्टा डाल ले, जनेऊ पहन ले, तिलक लगा ले, तो जनता समझती है भाई, इस रावणी प्रवृत्ति के साथ जनता कभी भी नहीं जा सकती। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की अनदेखी पर भी चुटकी ली। वास्तव में उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की और उसके बाद साधारणतया लोगों में वैराग्य आ जाता है, पर उनमें वैराग्य नहीं आया था, कांग्रेस ने उनको वैराग्य प्रदान कर दिया। इसी हफ्ते राहुल एमपी के दौरे पर थे और वो मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे भी पहुंचे थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।